वेलकम टू राजापुर। और अभी आगे का जो सीन दिखेगा ना भाई, एक नंबर दिखेगा, आप खुश हो जाओगे। हम उस बीच पे थे, वो गावखाड़ी बीच और ये गावखाड़ी ब्रिज, ऐसे पकड़ेंगे उसका वीडियो बनाएंगे और डालेंगे यूट्यूब पे। वो जगह देख रहे हो कड़ीलोट पॉइंट, वहाँ से लेके पूरी आपको दीवार दिखेगी, वो पूरा फूड एरिया है। ओके, तो भाई टाइम हो चुका है एग्जैक्ट 5:40 और हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ हमें जाना था। ओके, नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, स्वागत है आप सभी का अपने नए वीडियो में। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है सिंधुदुर्ग राइडर। तो भाई आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं रत्नागिरी। रत्नागिरी में दो पॉइंट कवर करेंगे, पहला पॉइंट रत्नदुर्ग फोर्ट पे, उसके बाद पीछे आएंगे वहां से 40 किलोमीटर पीछे कशेड़ी बीच पे। कशेड़ी बीच पॉइंट मतलब वो बहुत फेमस है, सबको पता है। अगर आपको नहीं पता डोंट वरी, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा भाई, बहुत सुंदर जगह है। सो वो पॉइंट कवर करेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे घर। और भाई आज हमारे साथ है मेरा दोस्त जिसको मैं इंडिया का रशियन बोलता हूँ। ऐसा क्यों बोलता हूँ आप उसको देख लो, उसके बाद पता चल जाएगा। सो मानस आज मेरे साथ है, वो कनकोली में वेट कर रहा है। निकलते हैं कनकोली के लिए, यहाँ से कनकोली जाते हैं, उसके बाद पेट्रोल बिल्डो भराते, दोस्त को लेते, उसके बाद निकल जाएंगे सीधा रत्नागिरी। ओके, तो भाई टाइम हो चुका है 7:33। भाई 7 बजे निकलना था, मैंने बोला था 7 बजे तू बाहर खड़ा रहे, मैं आ जाऊंगा, उसके बाद सीधा निकल जाएंगे रत्नागिरी के लिए। आधा घंटा लेट जो कि हमेशा होता ही रहता है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। चलो भाई, हर हर महादेव। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत टाइम के बाद, पता नहीं कब इतने जल्दी उठा था और राइड पे गया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन भाई बहुत टाइम के बाद मैं इतने जल्दी सुबह उठा हूं और किसी राइड पे निकल गया हूँ। क्या बात है, जो खुशी मिल रही है ना भाई, अंदर की खुशी बहुत सही मिल रही है भाई, बहुत सही। और काफी दिनों के बाद भाई ऐसी मॉर्निंग देख रहा हूँ, क्योंकि ना मेरी जो मॉर्निंग है वो दोपहर में 11-12 के बीच ही होती है। क्या बात है, क्या बात है, सच बताऊं दोस्तों अंदर की खुशी है, अंदर की खुशी जो मैं बयां नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन भाई एक नंबर। तो भाई पहुंच गए कनकवली 7:41। अभी यहाँ से ना दोस्त को कॉल करता हूँ, वो कहाँ पे है पूछता हूँ, उसको लेते हैं, पेट्रोल भराते हैं और निकल जाते हैं। ओके, तो भाई यहाँ से देवगढ़ है 52 किलोमीटर, रत्नागिरी 125, मुंबई 421, और हमें जाना 125 किलोमीटर। क्या बात है, ये देखो भाई हमारा दोस्त जिसका नाम है इंडिया का रशियन। सो भाई अभी यहाँ से जाते सीधा पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल डलाते, हवा जरा चेक करते, थोड़ी सी लग रही है कम है, उसके बाद कहीं रुकना नहीं है, बस चाय वाय के लिए रुकेंगे। खाने का तो वैसा कोई मन नहीं है, क्योंकि ना रात को 9 बजे हमने एक होटल पे खाना खाया था, अभी 8 बज रहे, लेकिन अभी तक मेरा वो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पता नहीं अभी वो डाइजेस्ट कब होगा, लेकिन भाई अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है, सो खाने का बिल्कुल मन नहीं है, बस चाय वाय पीने के लिए रुकेंगे 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद मस्त सीन देखते दिखाते हम निकल जाएंगे सीधा रत्नागिरी। क्या बात है, तो भाई अभी मैं निकला हूँ दोस्त को लेके, तब अभी एक एक चीजें याद आ रही है, मतलब पहली चीज याद आ रही है वो हवा चेक करनी है, वो तो चेक नहीं किया, आगे जाके पेट्रोल पंप मिलेगा, वहाँ पे हवा चेक करेंगे, पेट्रोल भराएंगे, उसके बाद मेन चीज जो ये मुझे अभी याद आई वो ये है कि ये जो मैंने लगाया ना सामने, ये है Insta360 कैमरा का सेटअप, मतलब यहाँ पे कैमरा लगाऊंगा, मस्त सीन देखते दिखाते निकल जाएंगे रत्नागिरी के लिए। लेकिन यह लगाने के लिए ना ये जो यहाँ पे स्क्रू रहते हैं ना भाई, वो स्क्रू मैंने पूरा टाइट नहीं किया है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा हिल रहा है, तो अभी ये चीज याद आ गई। आगे जाने के बाद कहीं गैरेज देखेंगे, पहले इसको टाइट करेंगे, क्योंकि भाई 50,000 का कैमरा यहाँ पे लगाना है तो ये पूरा टाइट करना जरूरी है। क्या बात है भाई, सामने देखो कितना फॉग दिख रहा है पूरा ऐसा, लेकिन अभी सामने देखो वहाँ पे फॉग दिख रहा है ना, वहाँ पे जाने के बाद फॉग गायब हो जाएगा। सामने देखो एक मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, जो भी बंदा यहाँ से गुजरता है ना तो यहाँ पे भगवान के आशीर्वाद जरूर लेता है, तो हम यहीं से आशीर्वाद देते हैं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे क्या हुआ भाई, कुछ तो लपड़ा हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे फॉग देखो भाई, क्या बात है भाई, इतना फॉग मिलेगा ये मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा था हम लेट निकले और सूर्य देवता दिख ही रहे तो यहाँ पे इतना फॉग नहीं रहेगा, लेकिन भाई सामने का व्यू एक नंबर। चलो भाई यहाँ पे ना एक गैरेज दिख रहा है, वहाँ पे हम भराते हवा, हवा चेक करते भाई। ओके, तो भाई टोल नाका मिल गया हमें, लेकिन गौ माता देखो कहाँ पे बैठी है, टोल नाका हमने क्रॉस कर लिया, कोई पैसा वैसा नहीं लगता क्योंकि ये बंद है, और हमें काहे का पैसा, हम यही गए भाई, पैसा तो हम नहीं देंगे। अब यहाँ से कौन सा रास्ता है भाई साहब, ये क्या है, मुझे लगा था कि ये रास्ता पूरा बन चुका है, लेकिन नहीं भाई अभी भी यहाँ का काम चालू है भाई, कब करोगे पूरा, कब करोगे, बन रहा है, बन रहा है, लास्ट टाइम जब मैं आया था ये पूरा ऐसा ही बन रहा था।
भाई हाईवे पे ना ये जो पिंक कलर के जो फ्लावर्स लगे हुए ना भाई बहुत सुंदर लगता है, ये पूरे हाईवे पे होने चाहिए, पूरे हाईवे पे। लेकिन फिलहाल हाईवे ही होना चाहिए, उतना काफी है हम लोग के लिए। कितने सालों से हाईवे का काम चल ही रहा है, अभी तक चल ही रहा है। भाई सामने का व्यू देखो यार, क्या ही सुंदर लग रहा है, एक नंबर। तो भाई यहाँ पे लगाते बाइक और दिखाते सामने का व्यू। तो भाई राजापुर यहाँ से लगभग एक या दो किलोमीटर है, लेकिन भाई यहाँ का व्यू देखो क्या सुंदर दिख रहा है, नहीं क्या बात है। वहाँ पे एक रोड है और हम यहाँ से आगे जाएंगे, लेकिन भाई जो व्यू है ना एक नंबर। लो भाई टाइम हो चुका है 9:01 और हम पहुंच चुके हैं राजापुर। वहाँ पे गैरेज है या क्या है वो छोड़, फायर ब्रिगेड वाला है। उनके पास बोलते हैं भाई 8 नंबर का पाना दो, टाइट करना है नेट। छत्रपति शिवाजी महाराज क्या सुंदर दिख रहे ना। वेलकम टू राजापुर। कौन सी तो नदी है, लेकिन भाई यहाँ पे बहुत अच्छी खासी सर्विसिंग सेंटर बन चुका है। थोड़ा सा आराम आराम से चल रहे थे तो भाई राजापुर का जो रास्ता है ना, मतलब पूरी खड़ी चढ़ाई है भाई, खड़ी चढ़ाई। हाँ हाँ क्या बात है। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था ना, तो यहाँ पे मैंने कुछ फोटो क्लिक की थी, क्या सही फोटो आई थी। सो भाई टाइम हो चुका है 10:13 और अभी आगे का जो सीन दिखेगा ना भाई एक नंबर दिखेगा, आप खुश हो जाओगे। चलो भाई अभी हम यहाँ पे आ ही गए ना, तो इस बीच में 5-10 मिनट बैठते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं और उसके बाद आगे निकल जाते हैं। ओके तो भाई टाइम हो चुका है 10:30 और हम पहुंच चुके हैं गावखाड़ी बीच पे। अगर यहाँ से आप देखोगे सामने एग्जैक्ट, तो आपको वहाँ पे एक फोर्ट दिखेगा, वो है पूर्णगर फोर्ट। उस फोर्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वो वीडियो जरूर देखना। गावखाड़ी बीच देख के हो गया, अभी बीच में थोड़ा थोड़ा रुकते ही जाएंगे, क्योंकि ना बीच बीच में बहुत सारे अच्छे अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया व्यू मिलेंगे। अभी हमें लगभग 30 किलोमीटर आगे जाना है भाई, 30 किलोमीटर। सो टाइम गूगल के हिसाब से 45 मिनट लगेंगे और मेरे हिसाब से शायद 1 घंटा, तो 1 घंटा और ट्रैवल करना है तो पकड़ लो 11:30 तक हम पहुंच जाएंगे फोर्ट पे। उसके बाद पूरा फोर्ट कवर करना है, उसके बाद फोटो वीडियो बहुत कुछ करना है और निकलना है फिर से कशेड़ी के लिए। तो भाई सामने का व्यू देख रहे हो, क्या ही सुंदर लग रहा है नहीं। अब उस बीच पे थे, वो गावखाड़ी बीच और ये गावखाड़ी ब्रिज, यहाँ से वही 28 किलोमीटर और आगे जा रहा है भाई। यहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर व्यू है भाई, बहुत सुंदर सुंदर, जितने दिखाऊंगा ना उतना ही कमी लगेगा। तो इसलिए ना भाई अगर आपको ये सब व्यू देखने है, एंजॉय करना है, लाइफ जीनी है ना भाई, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा भाई, बहुत सुंदर व्यू है। मेरे हिसाब से 10-15 दिन भी अगर यहाँ पे बिताए पूरा एक्सप्लोर करना चाह रत्नागिरी तो भी नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है, बहुत मजा आता है। कोई टेंशन नहीं, आने वाले समय में मैं पूरा रत्नागिरी घूम लूंगा और दिखा भी दूंगा, बस सब्सक्राइब करके रखना भाई। सुहाना सफर है ये मौसम कही। भाई साहब मुझे ना पता नहीं चल रहा कि कल शाम से ना मेरा सर दर्द हो रहा है, और अजीब सा सर दर्द हो रहा है भाई। ओहो हो 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 हो, क्या बात है, क्या बात है भाई। यहाँ पे सिग्नल है नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बंद है सिग्नल है लेकिन बंद है। तो भाई टाइम हो चुका है 11:16 और हम पहुंच चुके हैं रत्नागिरी, क्या बात है रत्नागिरी शहर। अभी यहाँ पे आने के बाद ना यहाँ पे चाय पीने का मन कर रहा है भाई, तो अभी मेरे दोस्त को पूछता हूँ यहाँ पे चाय पियेंगे या फिर सीधा फोर्ट पे निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से फोर्ट कुछ 3.5 किलोमीटर पे ही है, मतलब पकड़ लो 10 मिनट। तो भाई पीनी तो थी चाय, लेकिन पियेंगे गन्ने का जूस। भाई दे दो दे। मैंने सोचा था गन्ने का जूस ऐसे पकड़ेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे और डालेंगे यूट्यूब पे, लेकिन भाई साहब सर दर्द हो रहा है ना, उसकी वजह से कुछ सूझा ही नहीं। एक नंबर भाई साहब, देख रहे हो राइट साइड में सामने किले की दीवारें दिख रही है भाई, किले की दीवारें, क्या ही बात है। ओके तो भाई इस रोड से हम आए, ये है वो फोर्ट जहाँ हमें जाना था, रत्नदुर्ग फोर्ट, और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिखता है।
सो भाई टाइम हो चुका है 11:45 और हम पहुंच चुके हैं रत्नदुर्ग फोर्ट के नीचे। तो भाई रत्नदुर्ग फोर्ट पे आने के बाद जो मेन दरवाजा बना है ना, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि काश ऐसी जगह ऐसा सब हर किले पे होता। तो भाई यहाँ पे ना इस फोर्ट का जो खुलने का टाइमिंग और बंद करने का टाइमिंग लिखा हुआ है, 7 बजे सुबह खुलता है और शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। भाई यहाँ से एंटर करने के बाद ना पहले ही हमें भगवती मंदिर दिखता है। ये जो मंदिर दिख रहे हो ये है भगवती मंदिर। पूरा फोर्ट अभी तक घूमे नहीं है, 2-3 बुरुज ही हमने कवर किया है। भाई जो सीन दिखते हैं ना चारों ओर से, मतलब एक नंबर भाई। तो भाई इस फोर्ट की शॉर्ट में जानकारी दूं तो ये फोर्ट बहमनी काल के दौरान बनाया गया था। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस फोर्ट को बीजापुर के आदिलशाह से जीत लिया। उसके बाद कान्होजी अंग्रेजी ने इस फोर्ट का पुनर्निर्माण किया सुरक्षा के हेतु से। उसके बाद 1818 में ये फोर्ट अंग्रेजों ने फिर से जीत लिया। इस फोर्ट के राजकर्ता थे मराठा, इससे पहले बीजापुर, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद ब्रिटिश राज, उसके बाद भारत। और इस फोर्ट की ऊंचाई समंदर से ऊपर 200 फीट है। तो भाई इस फोर्ट को ना 3 नाम से जाना जाता है, पहला नाम रत्नदुर्ग फोर्ट, दूसरा रत्नागिरी फोर्ट और तीसरा भगवती फोर्ट। पहले लगा था कि ये जो सामने देख रहे हो पीछे ये इतना ही फोर्ट है, लेकिन भाई इतना नहीं है। वो जगह देख रहे हो कड़ेलोट पॉइंट, वहां से लेके पूरी आपको दीवार दिखेगी, वो पूरा फोर्ट एरिया है। ये जो सामने दिख रहा है ये पूरा फोर्ट एरिया है, ये भी मुझे अभी पता चला। मुझे लगा था इतना ही फोर्ट है, लेकिन नहीं भाई ये बहुत बड़ा फोर्ट है। तो एक काम करते हैं, अभी यहाँ तो सब देख के हो गया, बीच में ना पूरी झाड़ी है और ऐसी घास उगी हुई है, तो इसको साफ अभी तक किया नहीं है हमने। ये सारा पूरा क्लियर किया, अभी यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ पे मेन गेट है तो वहाँ से निकलेंगे। उसके बाद वहाँ पे दिख रहे आपको दीवार, वो भी एरिया कवर करेंगे। उसके बाद कड़ेलोट पॉइंट पे जाएंगे, वहीं पे एक लाइट हाउस है वो भी देखेंगे। उसके बाद इस फोर्ट को बाय बाय करेंगे। यहाँ पे एक मंदिर है छोटा सा, ये खंडोबा का मंदिर है और इस मंदिर के एग्जैक्ट बाजू में ही ना एक यहाँ पे कुआ है भाई, ये देखो। ओके तो भाई ये सामने जो रास्ता देख रहे हो इस रास्ते से हम आगे गए थे बाले किला देखने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे बाइक हमारी लगाते आगे जाते हैं, वहाँ पे हनुमान मंदिर है, उसके बाद पूरी दीवार है फोर्ट की वो देखेंगे, आगे एक बहुत बढ़िया सीन है भाई वो भी दिखाएंगे, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। तो भाई सामने देख रहे हो ये है इस फोर्ट के अंदर आने का मेन दरवाजा और इस दीवार के एग्जैक्ट बाजू में ही ये हनुमान मंदिर है। हमारे फोर्ट पे कहीं भी जाओगे ना तो आपको मेन दरवाजे के बाजू में ही हनुमान जी विराजमान जरूर दिखेंगे। ओके तो भाई हम ना पहले वहां पे गए थे, हमें लगा तो वो पूरा फोर्ट है, लेकिन वो पूरा फोर्ट नहीं है, वो सिर्फ बाले किला है। तो भाई ये जो मेन दरवाजा है ना, ये मेन दरवाजा खुलता है सीधा वहां पे बीच पे, जो सामने बीच देख रहे हो वहां से चालू होता है ये पूरा फोर्ट एरिया। सामने देखोगे तो वहां पे लाइट हाउस है और ये पूरी दीवार है वहां तक, वहां पे भी एक पॉइंट है मस्त सा, वहां पे जाके दिखाऊंगा अगर जा सकता हूं तो। क्योंकि ये जो पूरी जगह दिख रही है ना दोस्तों, ये जगह उतनी साफ नहीं है जितनी वहां पे बाली किला साफ है। भाई साहब इस फोर्ट के किसी भी कोने में चले जाओ आपको ना नज़ारे 101 दिखेंगे भाई, 101। अभी यहाँ से नज़ारा जो दिखता है ना वो आपको दिखाता हूँ। तो भाई उस रास्ते से ऐसे छोटे से जंगल से मैं इस बुरुज पे आया हूँ और इस बुरुज से जो नज़ारा दिखता है ना भाई, एक नंबर दिखता है भाई, एक नंबर, क्या बात है। यहाँ से पूरा रत्नागिरी शहर दिखता है, देखो पूरा रत्नागिरी शहर। और भाई इसी वजह से इस फोर्ट का निर्माण किया गया था ताकि यहाँ से पूरे एरिया पे नज़र रखी जा सके और दुश्मनों के आक्रमणों से बचा जा सके। भाई क्या ही बात है, क्या ही बात है। तो भाई सामने आपको दिख रहा है वो ना शायद सीमेंट का फैक्ट्री वच कुछ है, अगर सीमेंट की फैक्ट्री है तो प्लीज कमेंट में बताना। ओके तो भाई यहाँ का सारा सीन देखे हो गया, थोड़ा सा आगे जाने के बाद और एक लास्ट वाला बुरुज है, लेकिन वहाँ पे ना थोड़ा सा जंगल, मतलब छोटा जंगल ज़्यादा है, तो इसलिए काम कर रहा हूँ यहाँ से मैं पीछे चला जाता हूँ, क्योंकि आगे जाके वही सीन मिलने वाला जैसे अभी आपने देखा, वही सीन है। सो यहाँ से पीछे जाता हूँ, दोस्त को मिलता हूँ, उसके बाद कुछ खाते हैं। उसके बाद ना वहाँ पे एक बीच है और वहाँ पे ना एक पुराना जहाज़ आपने शायद देखा होगा, क्योंकि वो ना जहाज़ रील में बहुत ज़्यादा अपलोड होता है और ज़्यादा फेमस भी है, तो वो पुराना जहाज़ देखते हैं। उसके बाद जाएंगे कशेरी, कशेरी बीच यहाँ से लगभग 40-41 किलोमीटर दूर है। तो भाई मैंने ना सारी बातें बताई, बस एक पॉइंट मिस हो गया, वो है कड़ेलोट पॉइंट। तो एक काम करते हैं इस टाइम इस वीडियो में हम कड़ेलोट पॉइंट नहीं देखते, हम सीधा जाते हैं होटल में कुछ खा लेते हैं क्योंकि बहुत थक गए भाई। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा ना तो पहले वो कड़ेलोट पॉइंट देखेंगे, उसके बाद बाकी का सब देखेंगे। लो भाई आ गई अपनी अंडा मसाला थाली,
तो भाई ये जो सामने देख रहे हो ये है वो जहाज जो हमने फोर्ट से देखा था। ये पुराना जहाज यहाँ पे अटका पड़ा है काफी टाइम से, अभी कब से पड़ा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन फोर्ट से मैंने देखा तो ये दिख रहा था, सोचा यहाँ पे जाते हैं ये जहाज देखते हैं। तो भाई कुछ इस तरह से ये जहाज पड़ा हुआ है, लेकिन अभी इसके ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता तो नहीं है। अगर कुछ जाने के लिए कुछ होता ना तो जा सकते थे, दिखा सकते थे, और बीच पे पानी भी बहुत है। सो कुछ इस तरह से और इसी वे से हम इसको दिखा सकते हैं। फिर कभी आएंगे ना तो इसको पूरी तरह से दिखाएंगे अगर यहाँ पे पानी नहीं रहा तो। ओके, तो भाई जहाज़ देखना था जहाज तो देख लिया। अभी एक काम कर दे, मेरा ना बैटरी पूरी लो हो चुकी है, गोप्रो में बैटरी बिल्कुल ही नहीं है। सो यहाँ से सीधा निकल जाते कशेरे के लिए, वहाँ पे जाते सनसेट देखते, उसके बाद सीधा निकल जाएंगे घर के लिए। ओके, तो भाई टाइम हो चुका है एग्जैक्ट 5:40 और हम पहुँच चुके हैं उस जगह पे जहाँ हमें जाना था। भाई ये है कशेरे बीच पॉइंट। ओके भाई, मुझे लगा था ना हम लेट हो जाएंगे, लेकिन परफेक्ट टाइम पे हम यहाँ पे पहुँच गए, परफेक्ट टाइम पे। थोड़ा पूछ के आना पड़ा क्योंकि रास्ता ना एकदम पक्का समझ में नहीं आता, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला रास्ता है, लेकिन गांव वालों को पूछ के हम यहाँ पे आ गए। गोप्रो बंद था क्योंकि गोप्रो में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है, सो गोप्रो बंद ही है। सो एक काम करते हैं, यहाँ से ना नीचे जाते, वहाँ पे एकदम सेल्फी पॉइंट जो भी है वहाँ पे जाते, फोटो वोटो क्लिक कराते, वीडियो बनाते, उसके बाद रिटर्न। तो भाई टाइम हो चुका है 7:12 और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। फोटो वीडियो क्लिक किए उसके बाद यहाँ पे आके बैठ गए और बैठ के टाइम पास बात करते 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 भाई 7:13 हो चुके। ओके, सो गाइस टाइम हो चुका है 9:35। अभी मैं कनकोली पहुंच गया हूँ, ये पीछे जो ब्रिज देख रहे हो ये कनकोली का ब्रिज है। सो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।